इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेडफोन जैक सेक्शन का कंप्लीट ट्रेसिंग, कि कैसे हेडफोन जैक सेक्शन का ट्रेसिंग करते हैं, कैसे लाइन बाय स्टेप हम लोग आगे जा करके जांच करते हैं। क्योंकि हेडफोन जैक में जो पिन होते हैं, जैसे कि हेडफोन जैक में यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पिन है। तो हेडफोन जैक में किसी में 5 पिन होता है, किसी में 6 पिन होता है, किसी में 7 पिन होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो 6 पिन होता है उसमें कैसे कैसे काम करता है। वैसे हेडफोन जैक में कितना ही पिन होता है, लेकिन उसमें एक माइक के लिए होता है, माइक का पिन होता है, एक रिसीवर का और डिटेक्शन का पिन होता है, एक रिंगर का राइट साइड और रिंगर का लेफ्ट साइड, और एक पिन होता है FEM एंटीना के लिए, और एक पिन होता है ग्राउंड के लिए। तो जनरली 6 पिन यूज होते हैं हमारा। तो हम लोग 6 पिन का यहाँ पे हेडफोन सेक्शन है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जांच करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हेडफोन जैक से रिलेटेड आप लोग को थ्योरी लिखा दिए जी। प्रॉब्लम क्या क्या आता है, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, हेडफोन सपोर्ट नहीं करना है ना, कभी कभी हेडफोन सपोर्ट करना, और क्या क्या लिखा हुआ है, एक स्पीकर से आवाज़ नहीं आना, एक स्पीकर में आवाज़ आना, हेडफोन लगा कर बात करने से आवाज़ नहीं जाना है ना, हेडफोन लगा करके बात करने से आवाज़ नहीं आना, और क्या आ सकता है, हेडफोन का लोगो आ जाना, जैसे कि हेडफोन का लोगो ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन में आ जाता है, तो वो सारे चीज़ों को कैसे रिपेयर करेंगे है ना। तो चलिए हेडफोन से रिलेटेड हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं इसमें, कि कैसे कैसे हम लोग समाधान करेंगे, नहीं करेंगे, सही कैसे करेंगे। हेलो सर, उसको छोड़ दो, पूरा ध्यान किस में, तो हेडफोन सेक्शन में, फिर गड़बड़ा जाएगा है ना। चलो तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं हेडफोन सेक्शन में। अब हमारे पास यहाँ हेडफोन का जैक है, और हेडफोन का जैक में टोटल 6 पिन है, और 6 पिन है ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है। इसमें यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक, मतलब ये जो पिन है माइक के लिए काम कर रहा है, ये जो पिन है अपना इधर से इधर, ये माइक के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड स्पीकर के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पर देखेंगे डिटेक्शन के लिए काम कर रहा है। तो इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं, सिमेट्री डायग्राम खोलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेआउट में चले जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद आपको हेडफोन जैक यहाँ पे दिख रहा है, इसका कोड को कॉपी करेंगे और सिमेट्रिक डायग्राम में जा करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 को पिन दिख रहा है, जिसमें से HP मतलब होता है हेडफोन का माइक के लिए काम कर रहा है, FEM एंटीना का काम कर रहा है, ईयर और डिटेक्शन का काम कर रहा है, SPL SPR और ये GND। टोटल यहाँ पे जी 6 पिनों का डिटेल्स आपको मिल गया है ना। तो अब यहाँ पर देखो हेडफोन जैक का जो 6 पिन है, 6 पिन का डिटेल दे दिया। ये जो लाइन है ये कनेक्टेड है कैपेसिटर से, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे NF लिखा हुआ है। बाकी हम लोग चलते हैं और आगे जा करके इसका ट्रेसिंग को फाइंड करते हैं, कि हेडफोन सेक्शन का ट्रेसिंग को कैसे करेंगे, चीज़ों को कैसे समझेंगे। हेडफोन जैक में जो हम लोग के पास प्रॉब्लम आता है, वो हेडफोन नहीं सपोर्ट करना और लोगो आ जाना, ये सारे कामों में कभी कभार हम लोग साफ़ वाफ करके भी इसे रिपेयर कर लेते हैं, हो जाता है ना जी। लेकिन कभी कभी हमारा साफ़ वगैरह करने से भी काम नहीं करता है, तो हम लोग ट्रेसिंग को चेक करेंगे, अगर ट्रैक कट गया तो कैसे रिपेयर करेंगे, नहीं करेंगे, उन सारे चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए इसके लाइन में, इसके ट्रेसिंग में कितने सारे कंपोनेंट है वो यहाँ देखते हैं। यहाँ जाने के बाद हम मान लेते हैं एक जैसे कि यहाँ पे माइक का ऑप्शन है, तो ये माइक वाले लाइन को हम चेक करते हैं, कैसे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैसे कहाँ गया नहीं गया। यहाँ डबल क्लिक किए और इसको कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट किए। जब नेक्स्ट हम किए हैं तो ये कनेक्शन हमारा आगे आ रहा है, और आगे आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये कॉइल लगा हुआ है, TVS डायोड लगा हुआ है, फिर ये कैपेसिटर NF लिखा मतलब नहीं लगा है, फिर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे गए थे एक रेजिस्टेंस नहीं लगा है, क्योंकि NF जहाँ लगा लिखा रहे वो कंपोनेंट नहीं होता, मतलब 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट हमें दिखा, लेकिन 6 कंपोनेंट में एक ये और एक ये, 2 कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में नहीं लगा होगा, टोटल 4 कंपोनेंट लगा होगा। तो देखेंगे यहाँ पर है या नहीं है, देखो ये माइक का लाइन है, और इधर से गए तो यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, TVS डायोड, देखो ये कैपेसिटर नहीं लगा है, और ये 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। तो टोटल हमारे यहाँ कितना कंपोनेंट, 1 2 3 4 कंपोनेंट लगा है, और 2 कंपोनेंट NF है मतलब नहीं लगा हुआ है। उसके बाद इसका कनेक्शन कहाँ गया, फिर हम लोग सिमेट्री डायग्राम में जाएंगे, इसका कनेक्शन हमारा कहाँ जा रहा है उसको जाने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे,
जब नेक्स्ट किए तो हमको लेकर के आया यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है U701, मतलब ये किसका नंबर है, कौन सा आईसी है, कन्फर्म करने के लिए लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर जा करके और ये को हम लोग हटाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमने सेलेक्ट किया पावर आईसी, मतलब हमारा माइक का जो लाइन है उस कुछ कंपोनेंट होते हुए पावर आईसी के अंदर गया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हार्डवेयर से हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ कंपोनेंट में गया, उस कंपोनेंट में जाने के बाद ये जो लाइन है और ये सीधा और सीधा हमारा पावर आईसी के अंदर चला गया, ठीक है जी। मतलब ये क्या हुआ, माइक का जो ट्रैक है वो हम यहाँ पे चेक कर लिए। तो ये वाला लाइन था माइक का, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं और फिर से हम पीछे बैक चले जाते हैं। चलिए लेआउट में जाएंगे और एक बार इसमें जाएंगे और जाने के बाद सिमेटिक पे क्लिक करेंगे और हेडफोन जैक का हम माइक का लाइन को चेक किए। देखो ये वाला लाइन को हमारा हेडफोन जैक से स्टार्ट हो गया है कुछ कंपोनेंट होते हुए और ये लाइन कनेक्ट है पावर आईसी के अंदर, ठीक है जी। उसी प्रकार से अलग अलग लाइनों को आप चेक करोगे। देखो एक और लाइन को हम चेक करके दिखाते हैं, जैसे कि ईयर पाई डिटेक्शन का लाइन, बाकी ये दोनों लाइनों को आप लोग अपने से चेक करोगे। यहाँ पे डबल क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आ गए ऑडियो जैक के पास और ये यहाँ से लाया लाइन, यहाँ एक कॉइल लगा और एक TVS डायोड लगा हुआ, उसके बाद ये लाइन कहीं आगे चला गया है। थोड़ा कंफर्म करते हैं क्या उसमें दो ही कंपोनेंट लगा हुआ है। जब यहाँ पर हम आए तो हेडफोन जैक का ये वाला लाइन से निकला और एक कॉइल है और एक TVS डायोड है, उसके बाद इधर कोई कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आगे जाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, और जूम करने के बाद भाई साहब ये जूम करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे करेंगे एक रेजिस्टेंस 20 किलो ओम का लगा हुआ है और चला गया पावर आईसी के अंदर, एक रेजिस्टेंस होते हुए पावर आईसी के अंदर गया है। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है अपने भाई साहब यहाँ से निकला यहाँ पे गया और ये लाइन देखो यहाँ पर एक देखो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 20 किलो ओम का है ना, उसके बाद चला कहाँ चला गया पावर आईसी के अंदर। तो हेडफोन जैक का ट्रैक को कैसे चेक करोगे उसका प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएं, ठीक है जी। इसको बाकी जो पिन बचा इसमें से हम आपको कितने सारे पिन को चेक करके दिखाएं, एक हम आपको माइक वाला पिन को चेक करके दिखाएं और एक डिटेक्शन वाला पिन को चेक करके दिखाएं। बाकी जो दो को पिन रहा राइट साइड रिंगर लेफ्ट साइड रिंगर वो आप लोग अपने से चेक करके देखोगे, अगर नहीं होगा तो कल का क्लास में पूछ लोगे, ठीक है जी। तो हेडफोन जैक सेक्शन का डायग्राम हम आपको इसमें बताएं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हेडफोन जैक का लाइन को चेक करोगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।